सर, नवगठित पंचायतों को ग्रांट कब से मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑलरेडी हजारों टेंडर कह सकता हूँ मैं, हजारों टेंडर, चाहे हमारे वेस्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हमने लगाए हों, ग्रे वाटर जो हमने इन जोड़ों के दुरुस्त करने की हों, चाहे हमारे जो लाइब्रेरी पुरानी बिल्डिंग को दुरुस्त करने के हों, और हमारे ग्राम सचिवालय बनाने को, हमारे जिला परिषद की बिल्डिंग हो, हजारों हजार टेंडर काम में लगे हुए हैं। और पैसा पहले भी आने लग रहा था, अरब सरपंचों से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी डेवलपमेंट कराने में। जहां भी जो एक्टिव सरपंच होंगे, जो एस्टिमेट जो पैसे की मांग करेंगे, सरकार उस पैसे को उस गांव तक भेजने का, सरपंच तक भेजने का काम करेगी। मैं आश्वस्त करता हूं सभी सरपंचों को। सरपंच ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है इससे फैलेगा, अधिकारी जो पहले भी जो भ्रष्टाचार करते आए वो भी इस नए तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे। देखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, क्या ई टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार घटेगा बढ़ेगा, ये सोचने का विषय है। मैनुअल काम करता है आदमी को यही नहीं पता, वो 5 लाख के काम के 25 लाख भर ले आता है, उसकी एमई भरता है, उसके फर्जी बिल बनाता है। अब सारा ऑनलाइन है, हमारा इंजीनियरिंग पोर्टल है, उसके थ्रू रेट सरकार ने कर दी, और जो रेट इतने इंक्रीज कर दिए, काम में क्वालिटी आएगी, इससे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। जो जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करने लग रहे हैं, उस जीरो टॉलरेंस पर काम आएगा ये, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा काम। और वो अपने हाथ में पैसे के लिए नहीं, प्रतिनिधि जो भी चुना है, चाहे वो विधायक के रूप में काम कर रहा हो, किसी मंत्री के रूप में काम कर रहा हो, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हो, हमारी पंचायतें हों, हमारे जिला परिषद हों, हमारी ब्लॉक समिति हों, कोई भी हो, हम लोग एक किस्म से पहरेदार हैं, हम सिस्टम के चौकीदार हैं, हम विजनरी सिस्टम को डिपार्टमेंट से काम करवा के जनता तक वो सुविधा देने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, तब हमें लोग चुनकर भेजते हैं, और उस चुनी हुई जो हमारी जिम्मेवारी है उनको हम पूरा करें। डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये किस तरह सिस्टम चलेगा और क्या रहेगा? जैसे हमारे पूरे ब्लॉक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देकर, सरपंच को उसका चेयरपर्सन बनाकर हम ये काम देने जा रहे हैं, उससे हमारे गाँव के अंदर जो ये कूड़ा प्रबंधन जैसे शहरों में है सेम है, NGT की गाइडलाइन के माध्यम से हम आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट देकर ये काम करवाना चाह रहे हैं। सर, ये पूरे प्रदेश में होगा? पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश से 3 जिलों में अभी शुरू है उस पर एक्सपेरिमेंट बेस पे, बहुत जल्दी इसको हम पूरे प्रदेश। कौन से सर 3 जिले? अभी कुछ फतेहाबाद, करनाल, ऐसे 2-3 जगह हमने चलवाया हुआ है डिपार्टमेंट। जैसे अभी सरपंचों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गाँव का विकास नहीं होगा। नहीं नहीं, गाँव का विकास नहीं होगा, गाँव वाले रिकॉल उसमें चले जाएंगे। अगर वो अपने लालच के लिए गाँव का विकास रोकेगा तो कानून बनाया हमने, आपको वापस बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव की जनता, अगर वो जेब भरने का पैसे की हाथ में लोग खड़े हुए हैं, मैं उन गांव में जाऊंगा, उन गांव को आगाह करूंगा कि आपके दी हुई वोट का दुरुपयोग करने भी आदमी उतारू हैं, आप रिकॉल कीजिए, जनता अपने आप उनको वापस बुला लेगी और दोबारा चुनाव कराएंगे, दोबारा चुनाव कराने का हम काम करेंगे। अगर जनता को लगा कि ये इंटेंशनली मेरे गाँव का विकास नहीं होने दे रहा, अपनी जेब भरने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, जेब भरने की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है, विकास की लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा हो, ये मेरा अनुरोध है सभी जुड़े प्रतिनिधियों से। जी सर, ये भी कह रहे हैं कि सरकार का और नेताओं का भी विरोध करेंगे अगर वो गांव में आते हैं तो, जो सरपंच बाहर खड़े। कानून व्यवस्था इस देश में वो दुरुस्त रखेंगे हम। ठीक है सर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम सभी डेवलपमेंट में साथ दें, ये मेरा अनुरोध है। जेब भरी नहीं चलेगी, काम करी चलेगी, काम करो, विकास कराओ, गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से गाँव को चमकाओ।